Tenting, I saw the devil. इस कहानी की शुरुआत में दिखाया जाता है कि सुनसान सड़क पर एक गाड़ी चली जा रही है और तभी वो गाड़ी सड़क के किनारे पर रुक जाती है क्योंकि इस गाड़ी का टायर पंचर हो जाता है। इस गाड़ी में एक लड़की होती है जो अपने फियांसे को कॉल करती है। इसके फियांसे का नाम किमसू होता है और जब वो उससे बात कर रही होती है तभी यहाँ पर एक स्कूल वैन आती है। इस वैन से एक आदमी उतरता है, वो बोलता है क्या हुआ। ये लड़की उसे बताती है कि मेरी गाड़ी का टायर पंचर हो गया है लेकिन मैंने गाड़ी टो करने वालों को कॉल कर दिया, वो जल्दी यहाँ पर पहुँच जाएंगे। ये जो आदमी होता है उसे कहता है कि बर्फ पड़ रही है इसीलिए उन्हें यहाँ पर आने में टाइम लगेगा, मुझे चेक करने दो। फोन पर दूसरी तरफ किमसू होता है, वो कहता है जब तुमने उसे बता दिया कि तुमने गाड़ी टो करने वालों को बुलाया है फिर भी वो तुम्हारा टायर चेक कर रहा है, ये सब मुझे ठीक नहीं लग रहा। इसके बाद वो कुछ देर उससे बात करने के बाद फोन को डिस्कनेक्ट कर देता है और यहाँ सुनसान रास्ते पर जो आदमी उसकी गाड़ी का टायर चेक कर रहा होता है वो कहता है तुम्हारा टायर पूरी तरह से बैठ चुका है। गाड़ी के अंदर जो लड़की होती है वो कहती है कि आपकी मदद का बहुत बहुत शुक्रिया लेकिन जल्दी यहाँ पर गाड़ी टो करने वाले आ जाएंगे। यहाँ बाहर जो आदमी होता है वो ध्यान से उसे देख रहा होता है और इसके बाद वो अपनी गाड़ी में चला जाता है लेकिन बहुत देर तक वो अपनी गाड़ी को स्टार्ट नहीं करता, उसकी गाड़ी वहीं पर खड़ी रहती है और गाड़ी के अंदर जो लड़की है उसे इस बात पर शक होता है। लेकिन इससे पहले कि वो अपनी गाड़ी स्टार्ट करती वही आदमी उसकी गाड़ी के शीशे पर वार करता है, उसकी गाड़ी के अंदर घुस जाता है और उसे भी जख्मी कर यहाँ से अपने साथ ले जाता है। और जब उसकी आंखें खुलती है तो वो एक दूसरी जगह में होती है जहाँ पर उस आदमी ने उसे कैद किया होता है और वो समझ जाती है कि ये मुझे मारने वाला है। वो उसे बताती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, मेरे पेट में बच्चा है लेकिन फिर भी वो उस पर रहम नहीं करता और बहुत बुरी तरह से उसे मार देता है। कुछ दिनों बाद पुलिस को उस लड़की की डेड बॉडी के अलग अलग हिस्से मिल जाते हैं। हालांकि इस लड़की के पिता खुद पिछले 30 सालों से डिटेक्टिव हैं और उन्हें इस बात का बहुत दुख होता है कि 30 सालों से डिटेक्टिव होने के बाद भी वो अपनी बेटी को नहीं बचा सके और किमसू के आगे वो बोलते हैं कि मुझे माफ कर दो क्योंकि किमसू उनकी बेटी जूयून का फियांसे है जो उसे बहुत प्यार करता है और वो उनकी बेटी की मौत से बुरी तरह से टूट चुका है। उसकी आंखों में आंसू होते हैं लेकिन वो अपने दर्द को किसी को भी बयान नहीं करता, वो पूरी तरह से खामोश होता है और ऐसा लगता है जैसे ये किसी बहुत बड़े तूफान के आने से पहले वाला सन्नाटा है। वो अपने काम से 2 हफ्तों की छुट्टी ले लेता है। दरअसल किमसू नेशनल इंटेलिजेंस सर्विस में एक एजेंट है और उसी के साथ काम करने वाला एक एजेंट उससे मिलने के लिए आता है और वो किमसू को एक कैप्सूल देता है। वो उसे बताता है कि जिसके पास भी एक कैप्सूल रहेगा तुम उसकी लोकेशन को अपने मोबाइल पर देख सकते हो और साथ ही साथ उसकी बातें भी सुन सकते हो लेकिन अगर किसी को इसके बारे में पता चला तो हम दोनों प्रॉब्लम में आ सकते हैं। किमसू कहता है तुम चिंता मत करो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और इसके बाद किमसू वहाँ से निकल जाता है और किमसू को उसकी फियांसे जेंग यून जिसका मर्डर हुआ है, उसके पिता जो कि एक चीफ है, एक डिटेक्टिव है, वो बताते हैं कि इसी तरह के केसेस में पहले भी 4 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है और वो उन 4ों की फोटो और उन 4ों की डिटेल्स किमसू को देते हैं। किमसू वो डिटेल्स लेकर वहाँ से चला जाता है और वो एक एक करके 2 लोगों को बुरी तरह से टॉर्चर करता है लेकिन उसे पता चलता है कि इन दोनों में से उनमें से कोई भी नहीं था। इसके बाद वो तीसरे सस्पेक्ट के घर जाता है लेकिन उसने बहुत पहले अपने घर को, अपने बच्चे को छोड़ दिया होता और उसके बारे में उसके पेरेंट्स को नहीं पता होता कि वो कहाँ पर है। किमसू यहाँ से जब जा रहा होता है तो वो देखता है कि बाहर उसी आदमी का बेटा है जिस पर उसे शक है और वो उससे पूछता है तुम्हें पता है कि तुम्हारे फादर कहाँ पर रहते हैं और वो किमसू को बता देता है। किमसू अब उस जगह पहुँच जाता है जहाँ पर वो सस्पेक्ट रहता है और जब वो उसके घर की तलाशी लेता है तो वहाँ पे ड्रॉअर में उसे बहुत सारी लड़कियों का सामान भी मिलता है और इसके बाद वो और तलाशी लेता है और उसे नाली में एक अंगूठी मिलती है और ये वही अंगूठी होती है जो किमसू ने अपनी फियांसे को दी थी। इस अंगूठी को देखकर उसे बहुत रोना आता है और वो समझ जाता है कि ये घर उसी कातिल का है जिसने उसकी फियांसे का मर्डर किया है। वहीं दूसरी तरफ जेंग चुल को दिखाया जाता है, ये वही साइको किलर है जिसने किमसू की फियांसे को मारा है। ये स्कूल वैन में कुछ लड़कियों को लेकर कहीं जा रहा है और इसी वैन में एक लड़की होती है जिस पर उसकी नज़र होती है। हालांकि इससे पहले भी वो एक और लड़की को मार चुका है और रात को ये दिखाया जाता है कि स्कूल वैन में से एक लड़की मिसिंग है और इस लड़की को अगवा किया होता है जेंग ने, उसी साइको किलर ने। वो उस लड़की को अपने घर ले जाता है और जब वो उसको सेक्सुअली असॉल्ट कर रहा होता है तभी पीछे से कोई आवाज़ लगाता है जेंग।
इस बात से जैंग रुक जाता है और वो बाहर की तरफ जाता है, और जब वो लाइट्स चलाता है तो देखता है कि सामने किमसू खड़ा होता है। जैंग उसे बोलता है, क्या तुम अकेले हो? इस बात का किमसू कोई भी जवाब नहीं देता। जैंग बोलता है, शायद तुम पुलिस वाले हो। मुझे हैरानी होती है कि कोरियन पुलिस ने मुझे इतनी जल्दी ढूंढ लिया, लेकिन तुम्हें इस बात का एहसास नहीं है कि मैं कौन हूँ। और इसके बाद जैंग किमसू की तरफ भागना शुरू करता है। उसके हाथ में दराती होती है, लेकिन इससे पहले कि वो उस पर वार करता, किमसू उसके वार से बच जाता और उसे बहुत बुरी तरह मारता है। हालांकि जैंग भी उस पर कई हमले करता है, लेकिन किमसू बहुत ही फुर्तीला होता है। वो जैंग की हालत खराब कर देता है और उसका मुंह एक प्लास्टिक से पूरी तरह से ढक देता है, जिससे जैंग का सांस घुटना शुरू हो जाता है। किमसू उसे नहीं छोड़ता और जब जैंग मरने ही वाला होता है, वो उसे छोड़ देता है। सामने एक बहुत बड़ा पत्थर होता है, किमसू उस पत्थर को उठाता है और वो जैंग को मारने ही वाला होता है, लेकिन वो उसे छोड़ देता है। और इसके बाद जो उसके पास कैप्सूल होता है, जिससे वो किसी भी आदमी को ट्रैक कर सकता है, किसी की भी बातें सुन सकता है, वो उस कैप्सूल को जैंग के मुंह के अंदर डाल देता है। लेकिन ये बात उसे पता नहीं चलती, क्योंकि उस वक्त वो बेहोश होता है। और इस तरह से किमसू एक लड़की की इज्जत, उसकी जान बचा लेता है। और जब इसे होश आता है तो ये देखता है कि इसके पास एक एनवलप होता है, जिसके अंदर बहुत सारे पैसे होते हैं। ये उसे देखकर हंसता है, कहता है कि वो साइको था। और इसके बाद ये यहाँ से निकल जाता है। रास्ते में इसे एक टैक्सी मिलती है, जिससे ये लिफ्ट मांगता है, और टैक्सी के अंदर दो आदमी होते हैं। वहीं दूर बैठा किमसू इसकी पूरी लोकेशन अब देख सकता है, क्योंकि उसके मोबाइल में जैंग क्योंकि एक एक हरकत दिख रही होती है, कि वो कहाँ जा रहा है, क्या बातें कर रहा है, और वो भी उसका पीछा कर रहा होता है। अब जैंग जिस टैक्सी में होता है, उसमें दो आदमी होते हैं, और जैंग इन दोनों को मार देता है। और इसके बाद वो डिक्की खोलता है तो वो देखता है कि डिक्की के अंदर पहले से एक लाश होती है, यानी कि ये दोनों भी अपराधी थे, ये भी उसी की तरह थे जो किसी को मार कर हाईवे से कहीं फेंकने के लिए जा रहे थे। जैंग इन तीनों को वहीं रास्ते में छोड़कर वहां से निकल जाता है। अब जैंग क्योंकि जख्मी है, इसीलिए वो एक डॉक्टर के पास जाता है, और वहां पर एक नर्स भी होती है, और जैंग का दिल उस पर आ जाता है। और जब वो एक आइसोलेटेड कमरे में जाती है तो जैंग वहां पर पहले से बैठा होता है। वो दरवाजे को अंदर से बंद कर देता है और नर्स को पूरी तरह से डरा देता है। वो कहता है कि रात को मैं एक लड़की के साथ फन करने वाला था, लेकिन एक आदमी ने मेरा पूरा मजा खराब कर दिया, और अब मैं अपना मजा खराब नहीं करना चाहता। नर्स उससे रिक्वेस्ट करती है कि मुझे यहाँ से जाने दो, लेकिन जैंग एक साइको इंसान है, उसे किसी की परवाह नहीं है, उसके दिल में कोई हमदर्दी नहीं है, वो एक इंसान के रूप में जानवर है। लेकिन इससे पहले कि वो उसे सेक्सुअली अब्यूज करता, यहाँ पर किमसू आ जाता है और वो पीछे से उसे सिलेंडर से जो उसके हाथ में होता है उसके सिर पर मारता है। और इसके बाद वो यहाँ पर जैंग को बहुत बुरी तरह से मारता है। और जब जैंग लगभग अधमरा हो जाता है तो नर्स वहाँ से जाने की कोशिश कर रही होती है। किमसू उसे रुकने के लिए कहता है, वो कहता है कि तुम्हें इसकी पट्टियाँ करनी होगी, और वो जैंग के कान में कहता है कि ये अभी शुरुआत है, ये इतनी जल्दी खत्म होने वाला नहीं है, और ये इससे बहुत बुरा होगा। और इसके बाद वो उसकी एड़ी को इतनी बुरी तरह जख्मी करता है कि उसकी रूह तक कांप जाती है, वो बहुत बुरी तरह से चिल्लाता है। अगले पल ये दिखाया जाता है कि जैंग एक गाड़ी से घिसटता हुआ उतरता है, उसका पैर पूरी तरह से जख्मी, वो अच्छे से चल नहीं सकता, उसका हाथ टूटा हुआ है, और उसे कुछ नहीं पता कि वो उसके साथ ऐसा क्यों कर रहा है। साथ ही वो कंफ्यूज्ड भी होता है कि उसे हर बार उसका पता कैसे पता चल जाता है, और उसे शक होता है कि उसके पास कोई ट्रांसमीटर है। वो अपना जूता चेक करता है, पूरी गाड़ी को चेक करता है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिलता। इसके बाद वो गाड़ी लेकर हाईवे पर निकल जाता है। अब वो अपनी गाड़ी बदलना चाहता है, क्योंकि उसे शक है कि गाड़ी में कुछ ना कुछ है, और वो एक दूसरी गाड़ी को हाथ देता है, लेकिन इस गाड़ी के अंदर फौजी होते हैं, इसीलिए वो कुछ नहीं कर पाता। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि किमसू को उसकी फियांसे के पिता का कॉल आता है, और वो कहते हैं कि तुम अब जैंग का पीछा करना बंद कर दो, तुमने उसे बहुत सजा दे दी, अब पुलिस उसे खुद सजा देगी। लेकिन किमसू ये सब खत्म नहीं करना चाहता, वो जैंग को तड़पाना चाहता है, उसे हर वो दर्द देना चाहता है जो उसने दूसरों को दिया। वहीं दूसरी तरफ भी दिखाया जाता है कि जैंग अपने दो दोस्तों के साथ एक घर में होता है, इसमें एक लड़का और एक लड़की होते हैं, और ये भी जैंग की तरह साइको होते हैं। जैंग इन्हें अपनी पूरी कहानी सुनाता है कि कैसे एक आदमी उसे बार बार पकड़ कर टॉर्चर करता है, उसके बाद छोड़ देता है।
चैंग का दोस्त बोलता है कि दरअसल वो तुम्हारा शिकार कर रहा है, तुमने जितनी भी लड़कियों को मारा है ये उन्हीं में से किसी एक का परिवार वाला है। इसके बाद जैंग कमरे में चला जाता है और वो सोचना शुरू कर देता है कि ये आदमी कौन हो सकता है। और तभी उसे याद आता है कि किमसू के हाथ में एक अंगूठी थी और उसे ये भी याद आ जाता है कि जितनी भी लड़कियों को उसने मारा था उनमें से ये अंगूठी किसकी थी। और अब जैंग की समझ में आ जाता है कि उसकी पिटाई क्यों हो रही है। वहीं दूसरी तरफ ये दिखाया जाता है कि जैंग का दोस्त जिस लड़की के घर पर होता है उस लड़की को उसने बंदी बना रखा होता है, उस लड़की को किचन में लेकर आता है और इससे पहले कि वो उसे मारता वहाँ पर किमसू आ जाता है। जैंग का दोस्त ताइजू से देखकर हैरान हो जाता है, वो कहता है तुम बिना आवाज़ के अंदर कैसे आ गए। और इसके बाद किमसू उसे बहुत बुरी तरह से मारता है। यहाँ पर जैंग भी आ जाता है, इन सब के बीच में लड़ाई होती है लेकिन किमसू जैंग के दोस्त ताइजू को और उसकी साथ ही लड़की को इतनी बुरी तरह से मारता है कि उन दोनों को लगभग अपंग कर देता है ताकि भविष्य में वो किसी को भी मार ना पाए। और यहाँ पर वो जैंग को एक बार फिर बहुत बुरी तरह से पीटता है, उसकी चीखें निकल जाती है। और अगली सुबह ये दिखाया जाता है कि इस घर में पुलिस आ जाती है और वो सबको अरेस्ट कर लेती है। यहाँ पर ये सारे जख्मी होते हैं इसीलिए इन्हें हॉस्पिटल ले जाया जाता है। किमसू को भी चोट लगी होती है, उसकी पट्टियाँ होती है। और यहाँ पे किमसू से उसका वही दोस्त मिलने आता है जिसने उसे कैप्सूल दिया था। वो कहता है तुम इस आदमी को पुलिस के हवाले क्यों नहीं कर देते। किमसू कहता है कि अभी नहीं, जब तक इसने जो किया है उसका इससे पूरा बदला मैं ना ले लूं तब तक मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। किमसू का दोस्त बोलता है जो मैंने कैप्सूल दिया था वो काम कर रहा है ना, जब तक उसे कॉन्स्टिपेशन नहीं हो जाता तब तक वो उसी के अंदर रहेगा। किमसू से चुप रहने के लिए कहता है क्योंकि यहीं बगल में जैंग भी होता है। किमसू जैंग के पास जाता है, पर्दा हटाता है, वो देखता है कि वो पूरी तरह से बेहोश होता है लेकिन जैंग सिर्फ बेहोश होने का नाटक कर रहा होता है। उसने सब कुछ सुन लिया होता है और उसे समझ में आ जाता है कि उसकी बॉडी में कहीं ना कहीं ट्रांसमीटर है जिसकी वजह से किमसू को उसकी लोकेशन का हर बार पता चल जाता है। और किमसू एक बार फिर से जैंग को एक सुनसान जगह पर छोड़ देता है ताकि फिर वो कुछ करने की कोशिश करे और वो जैंग को फिर दोबारा सबक सिखाए। लेकिन अब जैंग सब कुछ जानता है, वो जानता है कि किमसू कौन है, वो जानता है कि वो उससे बदला क्यों ले रहा है और वो ये भी जानता है कि उसकी बॉडी में ट्रांसमीटर है और अभी भी वो उसे सुन सकता है। जैंग किमसू को बोलता है कि मैं जानता हूँ कि तुम मुझे सुन सकते हो, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसा खेल कभी नहीं खेला और अब बहुत मजा आएगा। मैं जानता हूँ कि किस लड़की की वजह से तुम मुझसे बदला ले रहे हो, मैं उसके घर का पता भी जानता हूँ और अब तुम्हें जिंदगी भर पछतावा रहेगा इस बात का कि जब तुम्हें मुझे मारने का मौका मिला था तो तुम्हें मुझे मार देना चाहिए था। और एक बात बताना तो मैं तुम्हें भूल ही गया, जब मैं तुम्हारी फियांसे को मार रहा था तब उसने मुझे बताया था कि वो प्रेग्नेंट है, शायद तुम्हें ये बात नहीं पता होगी। किमसू को ये बात नहीं पता थी। जैंग बोलता है कि उसने अपनी जान की भीख मांगी थी लेकिन मैंने उसे उसकी जान की भीख नहीं दी, उस वक्त तुम्हें उसे बचाने के लिए आसपास होना चाहिए था। इसके बाद जैंग एक केमिस्ट की दुकान में जाता है जहाँ पर वो लूज मोशन की दवा ले लेता है और अपने पेट से उस कैप्सूल को निकाल लेता है और वो कैप्सूल वो किसी दूसरे आदमी के पेट में डाल देता है। और जब तक वहाँ पर किमसू पहुँचता है तब तक जैंग वहाँ से जा चुका होता है। और अब किमसू को कुछ नहीं पता कि जैंग कहाँ पर जाएगा, इसीलिए वो हॉस्पिटल में उसके दोस्त के पास जाता है जो उसी की तरह साइको होता है और वो उससे पूछता है कि तुम मुझे बताओ कि इस वक्त जैंग कहाँ पर होगा। वो कहता है तुम जैंग के दिमाग को समझे नहीं, जो तुमने उसे दिया है जिस वजह से दिया है वही तुम्हें वो वापस देगा, यानी कि अब वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड की फैमिली को नहीं छोड़ेगा और एक बार वो अपना काम पूरा कर ले उसके बाद अगर तुम उसे पकड़ भी लो तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद किमसू वहां से निकल जाता है। तभी जैंग को उसी के साथी का फोन आता और वो कहता है कि जैंग ने अभी वायरलेस पर बताया है कि वो अपना कुछ काम खत्म कर रहा है, उसके बाद वो अपने आप को पुलिस के हवाले कर देगा। किमसू उससे जैंग की लोकेशन पूछता है और जब वो जैंग की लोकेशन किमसू को बताता है तो किमसू पूरी तरह से परेशान हो जाता है क्योंकि ये लोकेशन उसी जगह की है जहाँ पर उसकी गर्लफ्रेंड की फैमिली रहती है। और अब किमसू को पता है कि जैंग उसकी गर्लफ्रेंड की फैमिली को मारना चाहता है और जैंग के दोस्त ने जो कि हॉस्पिटल में है जो कि साइको है जो उसी की तरह है उसने किमसू को बताया होता है कि जैंग जितना दर्द देता है उसे उतना ही मजा आता है। इसका मतलब अगर जैंग उसकी फैमिली तक पहुंच गया तो वो उन्हें बहुत तड़पा तड़पा के मारेगा, इसीलिए किमसू किसी भी हालत में वहां पर जैंग से पहले पहुंचना चाहता है। लेकिन किमसू वहां पहुंच नहीं पाता, उससे पहले वहां पर जैंग पहुंच जाता है और वो उसकी फियांसे जो अब इस दुनिया में नहीं रही वो उसके पिता को बहुत बुरी तरह से जख्मी कर देता है और साथ ही साथ उसकी फियांसे की बहन को पूरी तरह से मार कर वहां से निकल जाता है। ये देखकर किमसू पूरी तरह से टूट जाता है, उसे कहीं ना कहीं अपनी गलती का एहसास होता है, अगर उसने पहले उसे मार दिया होता
तो ये दिन उसे कभी भी देखने को नहीं मिलता। वही जैंग अपने आप को पुलिस के हवाले करना चाहता है। वो पुलिस को कॉल कर देता है कि मैं अपने आप को आपके हवाले कर रहा हूँ, और वो उन्हें एक लोकेशन भी बताता है। और जैंग पुलिस के हवाले अपने आप को इसलिए करना चाहता है ताकि किमसू उससे बदला ना ले सके और वो जिंदगी भर तड़पता रहे और इस पूरे खेल में जैंग की जीत हो जाए। अब जैंग उस जगह पहुंच जाता है जहां पर पुलिस पहले से उसका इंतजार कर रही होती है, और इससे पहले कि जैंग को पुलिस पकड़ती वहां पर किमसू आ जाता है और वो चलती गाड़ी में जैंग को उठाकर वहां से ले जाता है, और वो उसके उसी घर में उसे ले जाता है जहां पर जैंग ने उसकी फियांसे को मारा था। वहां पर वो उसे बांध देता है उस जगह पर जहां पर जैंग सभी को मारता था। जैंग को वो बहुत बुरी तरह से टॉर्चर करता है। जैंग कहता है कि मुझे मार दो, मुझे मार क्यों नहीं देते। लेकिन किमसू कहता है कि मैं इस खेल को इतनी आसानी से खत्म नहीं करूंगा। अगर मुझे तुम्हें मारना ही होता तो मैं तुम्हें बहुत पहले मार चुका होता। मैं तुम्हें उस पल मारूंगा जब तुम अपनी जिंदगी का सबसे ज्यादा दर्द देखोगे, जब तुम्हारी आंखों में डर होगा, और वो मेरा बदला होगा, पूरा बदला। जैंग बोलता है कि मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो, तुम मुझे पहले बहुत तड़पा चुके हो। लेकिन किमसू उसे बोलता है कि ये लाइन तुमने दूसरों के मुंह से बहुत सुनी होगी, अब तुम इस दर्द को महसूस करो। किमसू जैंग से पूछता है क्या तुम्हें डर लग रहा है। इसके बाद जैंग हंसना शुरू कर देता है। वो कहता है डर और दर्द मेरे अंदर है ही नहीं, ये तुम पहले से जानते हो और तुम सब कुछ खो चुके हो। किमसू बोलता है कि मैं चाहूंगा कि तुम्हें मरने के बाद भी दर्द का एहसास हो। और इसके बाद वो दरवाजे को बंद कर देता है और उसके मुंह में एक रस्सी डाल देता है। दरअसल जहाँ पर उसे बांधा होता है ऊपर एक बहुत बड़ा ब्लेड है, और अगर किसी ने उस रस्सी को खींचा जो उसके मुंह के अंदर है तो ब्लेड उसकी गर्दन पर गिर जाएगा, और उस रस्सी का एक सिरा दरवाजे पे बंधा होता है। ये पूरा सेटअप करके किमसू वहाँ से निकल जाता है, और जैसे वो बाहर निकलता है पीछे से एक टैक्सी आती है जिसमें जैंग के माँ बाप और उसका बेटा होता है। अंदर जैंग बोलता है कि मैं बचूंगा, मैं जिंदा रहूंगा, तुम मुझे मार नहीं सकते, मैं किसी से भी नहीं डरता। दरअसल वहाँ पर किमसू कैप्सूल रखकर चला गया होता है जिसमें वो जैंग की सारी बातें सुन रहा होता है, और तभी जैंग देखता है कि उसका परिवार बाहर खड़ा है। दरअसल वो जैंग को अंदर देख लेती और उसका परिवार जैंग को बचाने के लिए अंदर आना चाहता है। जैंग उन्हें अंदर आने के लिए मना करना चाहता है, लेकिन अगर उसने मुंह से रस्सी छोड़ी तो वो ब्लेड जो उसकी गर्दन के ऊपर है वो उसकी गर्दन पर गिर जाएगा, और बाहर से उसका परिवार दरवाजा खोलकर जैंग को बचाना चाहता है। लेकिन उन्हें नहीं पता कि अगर दरवाजा खुला तो रस्सी खींच जाएगी, और ये वो पल होता है जब जैंग की आंखों में मौत का दर्द और डर दोनों होते हैं। ये दर्द और डर उसने कई लोगों को दिया है, और आज वो उसी सिचुएशन पर उसी जगह पर खड़ा है जहाँ पर कभी दूसरे थे। वो चीख चीख कर चिल्ला कर कहना चाहता है कि दरवाजा मत खोलो, लेकिन वो मुंह नहीं खोल सकता। और जब उसके माँ बाप बाहर से दरवाजा खोल रहे होते हैं तो धीरे धीरे उसके मुंह से रस्सी छूटना शुरू हो जाती है, और जैसे ही दरवाजा खुलता है ऊपर से ब्लेड उसकी गर्दन पर गिरता है, और इस तरह से जैंग का अंत हो जाता है। बाहर किमसू हेडफोन पर उसकी जिंदगी का एक एक दर्द, उसका डर, उसका एहसास सब कुछ सुन रहा होता है, और उसके अंत के साथ किमसू की भी आंखों में आंसू आ जाते हैं।